नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने यूपीएससी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीर दास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीर दास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। हम इसका एक हिस्सा पूरा कर चुके हैं और अब हम उसके दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुमिरण को अंग। कबीर के पदों का यह भाग सुमिरण को अंग शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। सुमिरण यानी स्मरण, स्मरण शब्द का ही यह अपभ्रंश है। इन पदों में कबीर दास जी ने अपने निर्गुण ब्रह्म का स्मरण किया है। उन्होंने यहाँ पर राम कहकर भी ब्रह्म को ही संबोधित किया है, पर यह याद रखना बहुत आवश्यक होगा कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं। वे निराकार ब्रह्म को ही राम कहकर संबोधित करते हैं। कबीर का अगला पद लेते हैं। जिहि हरि जैसा जानिया तिनकु तैसा लाभ, औसो प्यास न भाजई जब लग धसय न आभ। इसमें जानिया का अर्थ है समझा, तिनकु यानि उन्हें, औसो यानि ओस से, संदर्भ प्रसंग इसका पहले की तरह ही रहेगा, अर्थात हम बताएंगे कि यह कबीर ग्रंथावली से लिया गया है और इसके संपादक जो हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं, तथा ये सुमिरण संबंधी जो उनके दोहे हैं उनको इसमें संग्रहित किया गया है। व्याख्या करते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को जिस रूप में जानता है उसे उसका वैसा ही लाभ मिलता है। उसकी बूंद चाटने से प्यास नहीं बुझती, उसके लिए तो गहरे जल में उतरना पड़ता है। अर्थात परमात्मा के प्रति जब तक गहरी लगन नहीं होगी तब तक परम तृप्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें पदलालित जो है वो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार हैं, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सधुकड़ी भाषा है। पद की विशेषता ये है कि इसमें परमात्मा की भक्ति का दिखावा करने से लाभ नहीं होता, यह बात कही गई है। अब पद 22वां लेते हैं। राम प्यारा छानी कर करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत ज्यू कहे कौन सु बाप। इसमें आन का अर्थ है अन्य, कोई दूसरा, जाप यानि स्मरण, बेसवा यानि वेश्या, पूत यानि पुत्र। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं। यदि कोई मनुष्य
परमात्मा के प्रति प्रेम त्याग कर किसी अन्य के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करता है, तो उसकी दशा वेश्या के पुत्र के समान हो जाती है कि वह अब किसको अपना पिता कहे। अर्थात परम तत्व एक ही है, इसलिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। पद सौंदर्य देखिए, इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद तो है ही, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुक्कड़ी भाषा। पद की विशेषता ये है कि इसमें एकेश्वरवाद की स्थापना की गई है। पद 23, कबीर आपन राम कही औरा राम कहाई, जेह मुख राम न उचरे तेह मुख फेर कहाई। शब्दार्थ है आपण यानि स्वयं, औरा यानि अन्यों से, उचरे यानि उच्चरित होना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए तथा अन्य लोगों से भी ऐसा ही करने के लिए कहना चाहिए। जिस मुख से परमात्मा का नाम उच्चरित न हो उनकी ओर से मुख फिर लेना चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों के साथ अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। पद सुषमा देखते हैं, इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। और पद की विशेषता यह है कि इसमें परमात्मा का स्मरण सर्वोत्तम वृत्ति है, ये बताया गया है। अब पद 24 देखते हैं। जैसे माया मन रमाय यूं जे राम रमाई, तव तारा मंडल छाड़ करी, जहां के सो तहां जाई। इसका शब्दार्थ देखते हैं। माया यानी सांसारिक राग, संसार से प्रेम। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या देखिए, मनुष्य का मन जिस प्रकार संसार के राग रंग में डूबा रहता है, यदि उसी तरह से वह परमात्मा में भी डूब जाए तो मनुष्य को तारामंडलों में आवागमन की आवश्यकता ही न होगी, वह परम ब्रह्म में ही पहुंच जाएगा। वहीं से वह संसार में आया है, वहीं चला जाएगा। पद सौष्ठव है कि इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार है, दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। विशेष बात यह है इस दोहे की कि परमात्मा का स्मरण ही मोक्ष दिलाता है। पच्चीसवां पद देखते हैं। लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूट, पीछे हो पछताहोगे, यह तन जई है छोट। पीछे यानी बाद में। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। परमात्मा का स्मरण करने के लिए संसार में खुला अवसर तुम्हें मिला हुआ है, यदि तुम इसका लाभ उठा सकते हो तो उठा लो, अन्यथा मनुष्य तन मिट जाने पर सिवाय पश्चाताप करने के और कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। पद लालित है, इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। विशेष मनुष्य देह पाकर ही परमात्मा को पाने का अवसर मिलता है। छब्बीसवां पद करते हैं। लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, काल कंठ तय गहेगा, रूंधे दसु दुबार।
काल यानी मृत्यु, दसों द्वार यानी दस दरवाजे। संदर्भ प्रसंग पूर्वक व्याख्या करते हैं, परमात्मा के स्मरण का भंडार भरा पड़ा है, यदि तुम में क्षमता हो तो इस भंडार से उसे मनचाही मात्रा में लूट सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा एक दिन मृत्यु आएगी और तुम्हारे कंठ को दबाकर मनुष्य शरीर के दसों द्वारों को बंद कर देगी, जीवन समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें ईश्वर की स्मृति का अवसर नहीं मिलेगा। पदलालित है, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। विशेष दस द्वार, दो नासा छिद्र, दो आँखें, दो कान, एक मुख, एक गुदा, एक मुँह द्वार और एक ब्रह्म रंध्र, ऐसे शरीर के दस दरवाजे माने गए हैं। सत्ताईसवां पद करते हैं, लंबा मार्ग दूर घर, निकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। शब्दार्थ है निकट यानि कठिन, पंथ यानि रास्ता, दीदार यानि दर्शन, और संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या है, कबीर कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दूर है, उनका स्थल भी पहुंच से बाहर है, रास्ता जटिलताओं से भरा हुआ है, इस पर रास्ते में काम क्रोध मद लोभ मोह जैसे डकैत आदि भी मौजूद हैं। इतनी विपदाओं का सामना करने के लिए तत्पर और सक्षम व्यक्ति को ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। पद सूक्ष्म है, इसमें दृष्टांत अलंकार है, इसके अलावा दोहा छंद है, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। पद की विशेषता यह है कि कवि कहते हैं कि परमात्मा की साधना करना अत्यंत कठिन कार्य है। अब 28वां पद करेंगे, गुण गाए गुण नाम कटय रटय न नाम विभोग, अहने से हरि ध्यावे नहीं क्यों पावे दुर्लभ जोग। अहनिश यानी अहर्निश अर्थात रात दिन, दुर्लभ का शुद्ध रूप है दुर्लभ, जिसका अर्थ होता है कठिन। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेंगे, व्याख्या करते हैं, परमात्मा के गुणों का गायन करने से संसार के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, तब तुम परमात्मा का नाम का स्मरण क्यों नहीं करते। जब तक तुम परमात्मा में रात दिन अपना ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक परमात्मा को पाने का दुर्लभ संयोग प्राप्त नहीं कर सकोगे। पद सुंदर है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, साधु कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, गीतात्मकता है, माधुर्य गुण और शांत रस है। उनतीसवां पद करते हैं, कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरिनाम, सूली ऊपर नट विधा गिरू नहीं ठाम। सुमिरता यानी स्मरण करना, ठाम यानी ठिकाना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा, व्याख्या इस तरह होगी, कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा का स्मरण करने की साधना का पथ कठिनाइयों से भरा हुआ है। योग साधना किसी साधक के लिए ऐसी ही है जैसे कि कोई नट फांसी की रस्सी को गले में डालकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो, यदि वह जरा सी भी चूक कर दे तो नीचे गिरने पर भी उसे ठिकाना नहीं मिलेगा, रस्सी गले को कस देगी और देह का
अंत हो जाएगा। पद सूक्ष्मा है, इसमें अनुप्रास उपमा दोनों अलंकार हैं, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, गीतात्मकता माधुर्य गुण सांतरस है। पद में जो विशेष बात कही गई है कि योग साधना अत्यंत जटिल होती है। अब करते हैं पद तीसवां, कबीर राम ध्याई ले जिभ्या सौ कर मंत्र हरिसागर जन बिसरय छीलर देख अनंत। ध्याई ले यानि स्मरण कर लो, छीलर यानि उथलापन छिछलापन। संदर्भ प्रसंग तो पहले जैसा ही रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं अपनी जिह्वा का साथ प्राप्त करके परमात्मा का स्मरण कर लो। इस संसार में आकर प्रायः मनुष्य माया मोह के उथले जल में गोते लगाते हुए परमात्मा रूपी अथाह समुद्र को ही भूल जाता है। उसे भूलो मत, याद रखो। पद सौष्ठव, पहला हरिसागर में रूपक अलंकार है और दृष्टांत अलंकार का भी इस पद में प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सधुकड़ी भाषा है। पद इकतीसवां, कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाई फूटा नग ज्यो जोड़ी मन संधे संधि मिलाई। रिझाई ले यानि प्रसन्न कर ले, खुश कर ले। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या करते हैं, अपने मुख के द्वारा परमात्मा के अमृत तुल्य गुणों का गान करते हुए परमात्मा को अपने प्रति प्रसन्न कर लो। आत्मा परमात्मा से टूट कर बिछड़ी हुई है, जैसे कोई नग अपने मूल आभूषण से टूट कर अलग हो जाता है। स्मरण के द्वारा इस टूटन की संधि संधि जोड़ी जा सकती है, ताकि दरार तक दिखाई न दे। पद सूक्ष्मा, इसमें अनुप्रास उपमा और दृष्टांत अलंकार हैं। दोहा छंद है, गेता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। पद की विशेषता यह है कि आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना गया है। पद 32वां ले रहे हैं और इसके साथ ही ये दूसरा भाग पूरा हो जाएगा। कबीर चित चमकियां चहुदिस लागी लाए हरि सुमिरण हाथु घड़ा बेगे लेहु बुझाए। इसमें लाए शब्द का अर्थ है आग। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेंगे। व्याख्या करते हैं, मनुष्य का मन चकमक पत्थर की भांति होता है। वह माया मोह मद लोभ काम आदि की अग्नि प्रज्वलित कर मनुष्य को पथभ्रष्ट करता रहता है। इससे बचाव के लिए उपाय के रूप में परमात्मा के स्मरण रूपी घड़े का प्रयोग कर आग को बुझाया जा सकता है। पद सौंदर्य, इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार हैं और सदुकड़ी भाषा है। दूसरा दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। पद की विशेषता यह है कि इसमें मन की चंचलता पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है।